अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। काहे ग्यारह बज गए हैं, सब लोग मंत्री पूजा के लिए नीचे इकट्ठा हो गए हैं, हैं? और तुम अभी तक मिट्टी खाए हुए सांप की तरह सो रहे हो। चलो उठो, तैयार हो, नीचे चलो। इतनी सारी नोटिफिकेशंस, शायद मेरा मैसेज भी चेक नहीं किया माने। माँ को मुझे कुछ का बड़ी मम्मी, लड़की वाले आगे हल्दी लेके, जल्दी चलिए नीचे। आ रहे हैं, देखो ना तुम्हारा भाई अभी तक सो रहा है, तुम चलो हम आते। देख रही हो, दूल्हे राजा ब्यूटी स्लीप ले रहे हैं। हमें तो लगता है कि अमेरिका में कोई विदेशन पटाए, तभी तो इनका शादी का मन ही नहीं है। वैसे सही है, बड़ी मम्मी को ना एक अंग्रेजी लाइन पर ला सकती है। नहीं दी, क्या बोली जा रही हो, कम से कम आज के दिन तो ढंग की बात कर लो। ए बहुआ, माँ के आंचल को छोड़ो, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी होने वाली है, कल को तुम्हारी मेहरारू आएगी, बच्चे होंगे, जरा जिम्मेदार बनो। वैसे हमको अपने परिवार पे पूरा भरोसा है, हम जानते हैं कि तुम एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता बनोगे और हमको हमको बहुत प्राउड फील कराओगे, कराओगे ना बउआ? बड़ी मम्मी आप आ रही हो ना? हाँ हाँ आ रहे हैं, बिस्तर तो छोड़े हैं। चलो बहू तैयार हो और नीचे आओ, आओ चलो। गुड्डू खुश रही है। अच्छा सुनो हमारी बात, अपनी बातों में बउआ को लबरा के टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से तैयार करके इनको नीचे लेकर आओ। हैं चलो जाओ। नमन यार, तू कपाट पकड़ के कहाँ बैठा हुआ है यार, रो काहे रहा है? गुड्डू जो मैंने किया उसके बाद माँ का दिल टूट जाएगा। I don't know, मुझे क्या करना चाहिए। आपका किया तू? Sorry माँ, मैं पंकज से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सुनैना से प्यार करता हूँ। क्या हो रहा है आपके सुनैना के साथ कान्हा जी? तो पहले ही पंकजा नमन जी को लेकर हमसे इतनी नाराज, ऊपर से ये उनके नाम की मेहंदी हमारे हाथ पर लग गई और निकलने का भी नाम नहीं ले रही। कान्हा जी ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ये कोई इशारा तो नहीं ना कि चाहे हम। नहीं सुना ना, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अब कान्हा जी के पास और भी तो काम है ना इशारे देने के अलावा, ये सब कुछ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं है, है ना कान्हा जी? तो एक खाली दिमाग शैतान का घर हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग में उथल-पुथल मची हुई है कान्हा जी।
महाराज जी आप ही बताओ मैं क्या करूं। पेंटिंग पेंटिंग करती हूं, गुड आइडिया। बनाती हूँ जिसके बारे में सोचकर हमारे मन को सबसे ज्यादा शांति और सुकून मिलता हो। वाह वाह वाह, प्रणाम प्रणाम बाबू साहेब, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसी हैं? अरे हम बाबू साहब काहे कह रहे हैं, अब तो आप हमारे समधी जी हो गए हैं। प्रणाम समधी जी है। और आप तो हमारे असली समधी जी हैं, आप इनके पीछे काहे खड़े रहते हैं? यहाँ आइए। नहीं कोई बात नहीं, हम भाई साहब की परछाई में ज्यादा खुश हैं। हाय, तो आपका बड़प्पन है भाई, राम लक्ष्मण की जोड़ी, वाह। बैठिए बैठिए, आप बताइए कैसी चल रही है तैयारियां? हमारी सिद्धिया बिटिया जो है वो स्पेशली यही देखने यहाँ आई है। समधी जी, तैयारियां तो बहुत जोर शोर से चल रही हैं। सिद्धिया बिटिया, बस तुम देख लो सब ठीक ठाक है तो फिर यस का ठप्पा लगाए दो जोर के। अब बेहोश तो कर दिया इसे, अब आगे क्या करना है? इसे कहीं छुपाना होगा ताकि अपनी सगाई पर पहुंच ना सके। सगाई नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7:30 बजे। राजकुमारी जी, ले लीजिए कुमुद, हल्दी भेजिए। धन्यवाद मेघना, ये लो सगुन की मेहंदी पंडित जी को दिया। अब वैसे आंटी जी, हाँ? और जीजू का है? मैं भी देखना चाहती हूँ कि जीजू भी दी की तरह ग्लो कर रहे हैं या नहीं। तोरे जीजू पर हीलो, तुमने नाम लिया और आ गए तोरे जीजू। बउआ आओ देखो कौन आया है। आइए, कुछ और बेटा फिस रहो। इधर आइए दामाद जी। जीजू पंकजा दी की तरह इतने एक्सप्रेसिव है नहीं यार, मतलब वहाँ दी इतने फूल जैसी खुश हो रही है और यहाँ जीजू इतने शांत से। अरे परदेश में रहकर भी थोड़ा सा शर्मीला ही रह गया हमारा नमन, अब हमारी चिच्ची की तरह हंसी ठट्टा वाला मस्करा स्वभाव नहीं है ना इनका। अब आया मेघना को हसमुख स्वभाव कहते हैं। अच्छा शिव्या, तुम्हारे घर पे मेहंदी सेरेमनी कैसे चल रही है? हम तो बहुत मजे कर रहे हैं, सुबह से इतने सारे वीडियोस और फोटोज बना चुके हैं ना, मैंने तो ग्रुप भी बनाया। रुको, मैं ना आप सभी को उसी ग्रुप में ऐड करती हूँ। डन, आप सभी को फोटोज आ गई? चलो हम भी देखें अपनी होने वाली बहू की मेहंदी का फोटो।
बउआ तुम हमको वॉइस मैसेज भेजे थे का? हम देखे ही नहीं। ऐसे ऐसे कौन सी बात है जो तुम हमको सीधा सीधा नहीं बोल सकते, वॉइस मैसेज भेजे हो है? चलो सुने तो सही, कहाँ भेजे हो? जी हमसे क्या हो गया, हमने फिर से नमन जी की शक्ल बना दी। कहीं सच में हमारी वजह से इन दोनों की शादी तो नहीं टूटने वाली है ना? सॉरी मां, मैं पंकज से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सुनैना से प्यार करता हूं। आप प्लीज ये शादी रोक दीजिए। कहाँ हो रहा है ये सब? क्या बोल रहा है आपका लड़का? पंकजा और सुनैना हमारी बिटियां हैं। कौनों बाजार में रखा सामान नहीं है कि अभी पसंद आया हो खरीद लिया, अब वो पसंद आया हो ये वापस कर दिया। राजकुमारी जी, आज तक कौनों का हिम्मत नहीं हुआ है कि हमारे परिवार का थोड़ा सा भी अपमान करे? और आपका बेटा हमारे खानदान का नहीं, शादी और रीति रिवाज का भी मजाक उड़ाया है। हम ये बात पूरे मुंगेर में उड़ाएंगे कि राजकुमारी जी संस्कार का केवल ढोंग करती हैं। संस्कार होते ना तो आपका ये बेटा ऐसा कैरेक्टरलेस ना होता। समाज में बड़ी नारीवादी फेमिनिस्ट बनी घूमती हैं आप। अब देखिएगा कैसन आपका वो झूठा फेमिनिस्ट का धज्जियां उड़ा के पूरा मुंगेर के सामने आपका दोगलापन का ढिंढोरा पीटेंगे हम। खुद एक औरत होकर अपना बेटा को दूसरा औरतों के साथ खेलने का परवरिश देती हैं आप। अब देखिएगा समाज में आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम। मत कहो हमको अपनी माँ, मत कहो हमको अपनी माँ। नहीं है हम तुम्हारी माँ, नहीं है। अरे औलाद वो होती है जो माँ बाप की इज्जत को अपनी इज्जत माने, उसका सर गर्व से ऊंचा उठा दे। और तुम तो हमरा सर शर्म से नीचे झुका दिए हो। हमरा सालों का कमाया हुआ इज्जत मान सब मिट्टी में मिला दियो तुम। नमन सिंह मिट्टी में मिला दियो। क्यों 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 तुम ऐसा? नहीं है हम तुमने अम्मा, नहीं है। और ये बात कान खोल के सुन लो, आज से तुम्हारी माँ
तुमने लिए हमेशा के लिए मर गई। नहीं, क्या हुआ बउआ? ऐसा कौन सा बात है जो तुम हमको सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं? वॉइस मैसेज भेजे हो। चलो अभी सुन लेते हैं। अब सस्पेंस खत्म कीजिए और मैसेज को खोलिए भाभी, क्योंकि हम तमाशा देखने के लिए तरस रहे हैं। बवा, ये तो खाली है, कोनो मैसेज नहीं है। अरे आंटी जी, इना ऐसे ही भेज दिया होगा। कहा है ना कि इन नींद में ऐसा वॉइस नोट हमको भी भेज देता है कभी कभी। नमन, तुम मत थोड़ा सा फोन दूर रख के सोया करो। का किया यार, तू सारा वॉइस नोट में बक के आंटी जी को भेज दिया। अरे उसका अंजाम क्या होगा ये नहीं सोचे तू? जो होगा वो हो जाए, शायद उसी में सबकी भलाई होगी। मैं चेंज करके आता हूं। नमन, ये है हमारा खानदानी हार और ये हम अब कली को देने जा रहे हैं। इसका रंग उतर गया। ये असली है या नकली? ये हार 100% नकली है। केना फूल, हमारा खानदानी हार कहाँ है? असली हार का पता मुझे है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। दारू के नशे में बोला हुआ बात इंसान को पछतावे की सीमा कुछ नहीं देता, और हम तुमको पछताने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है खुद से। शुक्र है ये फोन में डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन होता है। आंटी जी ने मैसेज तो नहीं देखा है अभी, क्या पता नोटिफिकेशन देखिए। हम ना एक वॉइस नोट डाल लेते हैं खाली। ए बउआ, नींद में सिर्फ मैसेज ही भेजते हो ना, कुछ और तो नहीं है? काकी, अब अपनी आदत सुधार लो, नहीं नवेली दुल्हन आएगी ना तो फिर झगड़ा करेगी है। बिल्कुल सही कह रही है राजकुमारी। अरे पंकजा के सामने यहाँ हुआ मैसेज भेजे ना तो बता रहे हैं लड़ाई बहुत होगी। चलिए अब हम निकलते हैं, आप पूजा कीजिए, हम जा करके शादी का तैयारी करते हैं। चलिए राजकुमारी जी, अब विदा दीजिए। बाय जीजू, तो कल से आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाओगे। I'm so happy. See you. रामचंद्र, जरा हल्दी रखवा अंदर। हाँ, चलिए। अरे चलिए, पूजा का समय हो गया, मुहूर्त निकला जा रहा है, आइए। राजकुमारी जी, जी हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हमारे जजमान के चेहरे की इस मुस्कुराहट को खुशी बनाकर इनके घर परिवार में सदैव सुख शांति का वातावरण बनाए रखो। ऐसे ही मांगलिक कार्य हमेशा होता रहे। क्या हुआ? मैसेज वाला मामला गड़बड़ा गया नमन सिंह। कितना हिम्मत जुटा के किए थे तुम, पर कोई बात नहीं, हिम्मत है, हम फिर से जुटा लेंगे। ये लो पार्टनर, दो घूंट मारो और बोल दो भाभी को कि इस घर में अब उनकी हुकूमत नहीं चलेगी। अरे तुम्हारी जिंदगी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। ले चल चल मार, कोई देख नहीं रहा। मामा मा, पट मा, मा। नहीं चल, मुझे एहसास हो गया, मां के दिल को उनके भरोसे को
सिर्फ अपनी खुशियों के लिए नहीं तोड़ सकता। क्योंकि सच तो ये कि माँ ने आज तक मेरे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, तो क्या उनकी खुशी के लिए मैं एक कुर्बानी नहीं दे सकता? इतना सेल्फिश नहीं हूं मैं। थैंक यू गुड्डू, थैंक यू मेरे भाई, तुम्हें आज मिले हो तो माँ का दिल टूटने से बचा लिया। ऑनेस्टली बताऊं ना, पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि तू सच में मेरा बीएफएस है। अरे कैसा कमीना जैसा बात कर रहा है यार तू, हाँ मतलब अब हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हम तुम्हारे बीएफएस हैं। नमन, हमको मालूम था कि सवेरे तुम्हें अपने गलती का एहसास होगा, इसीलिए अलाउ गलती को हम मिटा डालें। जानते हैं कि इस सुबह का बुला नमन शाम को घर का है लौटाया है, हमने सारा मजा के किरा कर दिया लड़के ने। नहीं, हम इन दोनों की शादी में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। सब इन दोनों की शादी बिना किसी अड़चन के हो जाने देना कान्हा जी, क्योंकि अब इस जोड़ी पर आपका हाथ है।